हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आज अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम एक पाठ योजना देखने वाले हैं, लेसन प्लान बनाएंगे। किसकी लेसन प्लान बनाएंगे? हम फिजिक्स की, भौतिकी विज्ञान का एक लेसन प्लान बनाने वाले, बहुत ही छोटी कम समय में। और वो प्रकरण टॉपिक होगा आज का हमारा मापन, यानी कि मेजरमेंट की बात करेंगे। वो ठीक है, हमने ऊपर पाठ योजना लिख दिया, कॉलम बना दिया जिसमें दिनांक, क्लास, सब्जेक्ट्स, उप सब्जेक्ट्स, वर्ग, कालांश, अवधि लिख दिया। ठीक है, नीचे हमने प्रकरण मापन डाल दिया। और अब आएंगे सामान्य उद्देश्य के बारे में। तो सामान्य उद्देश्य में हम जिस विषय का बनाते हैं उसके बारे में लिखते हैं कि उस विषय को पढ़ाने से बच्चों को क्या लाभ होगा। तो छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास होगा, बच्चे विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, और बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना है। विज्ञान विषय को रोजगार परक बनाना है, वह निरीक्षण शक्ति का विकास करना है। निरीक्षण शक्ति मतलब प्रैक्टिकल शक्ति का, जैसे देखभाल करने का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य ये जो टॉपिक पढ़ा रहा है उससे बच्चों का क्या फायदा होगा। तो मापन पढ़ाने से बच्चों का फायदा ये होगा कि बच्चे मापन किसे कहते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, बच्चों को मापन की आवश्यकता की जानकारी होगी, बच्चे मापन के पैमाने तथा युक्तियों की जानकारी प्राप्त करेंगे, बच्चे दैनिक जीवन में मापन का उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, इसमें शिक्षण विधि कौन कौन से इस्तेमाल हो रही है, प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि, दो शिक्षण विधियां आदि भी, मुख्यतः ये दो आदि इसके अलावा भी इस्तेमाल होंगी। और सहायक सामग्री में आपके पास घड़ी, तराजू, मीटर, स्केल्स, थर्मामीटर आदि होने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, मापन के सामग्री है, मापन के लिए औजार है। अब बात करेंगे पूर्व ज्ञान के बारे में, बच्चे दैनिक जीवन में मापन का उपयोग करते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं सामान्य जन। दोस्तों देखते हैं प्रस्तावना में, जो कि काफी इंटरेस्टेड होता है क्योंकि हमें यहाँ बच्चों से टॉपिक निकलवाना होता है। तो क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और सांपटकार। अगर आप छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका लिखिएगा। ओके, तो सबसे पहले हमने बच्चे से पूछा कि आपका ड्रेस कौन बनाता है, बच्चों ने कहा दर्जी। ओके, दर्जी बनाता है, वो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये अगर लिख दे तो अच्छी बात है, ना लिखे तब भी कोई बात नहीं है। तो आप ये दो कॉलम बस रख सकते हैं। ठीक है, तो आपने बच्चे से पूछा कि आपका ड्रेस कौन बनाता है, उन्होंने कहा दर्जी। ओके, दर्जी ड्रेस बनाने से पहले क्या करता है, तो माप लेता है। ठीक है, शरीर का तापमान किस यंत्र से मापते हैं, तो थर्मामीटर। और समय, दूरी, ताप, माप आदि किस पैमाने से करते हैं, तो सामंजस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पे आपको टॉपिक निकल गया, तो आप कहेंगे मापन। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ आपने कहा कि बच्चों से आपका ड्रेस कौन बनाता है, तो दर्जी। दर्जी बनाने से पहले माप लेता है। आप यहाँ भी पूछ सकते हैं कि माप क्या होता है, मापन किसे कहते हैं और इसकी क्या मात्रा होता है और कितने प्रकार के होते हैं। आप यहाँ भी समस्यात्मक प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, ये तो बस एक टॉपिक है, मतलब एक क्या कहते हैं, एक हेल्प करने के लिए। बाकी आप अपने तरीके से यहाँ पे मापन बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे टॉपिक मिल गया मापन, फिर आपने बच्चों से कह दिया उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन चूंकि यहाँ पर लिखा नहीं है, आपको लिखना है, तो प्यारे बच्चों आज हम मापन और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आपने बच्चों से यहाँ पे टॉपिक शुरू कर दिया, आपने कॉलम बना लिया, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र छात्र क्रियाएं और सांपटकार। यहाँ पे आप चूंकि बल पढ़ाने वाले हैं, सॉरी बल नहीं, यहाँ पे मापन, तो यहाँ पे मापन। ठीक है, आपने मापन लिख दिया। बच्चे से प्रश्न पूछा कि मापन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, बच्चे उत्तर नहीं दे पाते हैं, मापन आपने लिख दिया। और बच्चों को बताया कि किसी भौतिक राशि का परिणाम संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। समझ में आ रही बात, किसी भौतिक राशि को का परिणाम परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। ठीक है, फिर आपने बताया कि मापन मुख्यतः तुलना करने की प्रक्रिया है, किसी भौतिक राशि जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप आदि सही सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है। आपने बच्चों को बता दिया और आपने यहाँ पे लिख दिया सैंपट में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। आपने दूसरा बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछ दिया कि लंबाई का मापन, आपने टॉपिक लिख दिया लंबाई का मापन, लंबाई के मापन के बारे में बताएंगे, तो लंबाई को किससे मापा जाता है, लंबाई के अन्य मात्रकों के बारे में बताइए, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, आपने यहाँ पे लिख दिया। और आपने बच्चों को बताया कि लंबाई के विभिन्न मात्रक हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, फुट, गज, प्रकाश वर्ष, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आपने ये लिख दिया। ठीक है, ठीक वैसे ही आप यहाँ पे चाहें तो द्रव्यमान के बारे में लिख सकते हैं कि द्रव्यमान के बारे में लिख सकते हैं कि द्रव्यमान किसे मापा जाता है, द्रव्यमान के अन्य मात्रक, तो आप किलोग्राम, ग्राम, ये सारी चीज़ें उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्षेत्रफल के मापन के बारे में लिखा है, तो क्षेत्रफल के बारे में लिखिए कि किसी आयत की सतह का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा उसकी चौड़ाई की गुणनफल के बराबर होता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे द्रव्यमान का। तीसरा आपने एक और पॉइंट बच्चों को समझा दिया, समय मापने का, कि समय को किससे मापा जाता है, बच्चे शांत हैं, तो समय को विभिन्न मात्रकों से नापा जाता है, कैसे, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, वर्ष। आपका यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया, आपने द्रव्यमान के बारे में पढ़ा दिया, समय के बारे में पढ़ा दिया और
लंबाई के बारे में पढ़ा दिया, ठीक है। मूल्यांकन प्रश्न में बच्चों को पूछ लिया कि थर्मामीटर से क्या नापते हैं, या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि द्रव्यमान को किस मात्रक में नापा जाता है, ठीक है, समय का मात्रक बताइए, ये आपका मूल्यांकन प्रश्न हो गया। निरीक्षण कार्य में छात्र छात्रा अध्यापक क्या करेंगे भाई, बच्चों को घूम घूम कर देखेंगे कि उन्होंने अपना काम सही से किया है कि नहीं किया, और लास्ट में गृह कार्य दे देंगे। इस गृह कार्य में समय मापने के सभी पैमानों के बारे में याद करके आना है, ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि लंबाई के मात्रक के सभी लंबाई के सभी मात्रकों को यहाँ पे लिखिए, तो आपने बच्चों को पढ़ा दिया। तो ये हमारा एक प्रकरण मापन पे भौतिकी विज्ञान का साधारण सा पाठ योजना तैयार है। उम्मीद है दोस्तों कुछ चीज़ें समझ में आएगी, इस हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं, और ऐसे ही अगर आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, ऐसे ही दो चार और लेसन प्लान आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।